topic that we will be discussing today is from cells to organisms. In this, basically we start with what are cells. Cells are basic unit of life. This is the definition of cell. एक cell क्या होता है एक इंसान के लिए life जो जिंदा चीज है इंसान जानवर चाहे that can also be a plant but they are alive तो उसके लिए जो है एक basic unit होता है तो जैसे हम एक घर बनाते हैं उस घर के लिए हमें एक ईंट चाहिए होती है वी नीड अ ब्रिक फॉर दैट तो वो ब्रिक का काम जो है बहुत सारी ब्रिक मिलती हैं और वो एक घर बनता है तो लाइफ वाइज जो है बहुत सारे सेल जो हैं वो मिलते हैं और एक ह्यूमन को बनाते हैं फिर अब बात आती है कि ये सेल्स होते कैसे हैं दिखते कैसे हैं कहाँ से हम देख सकते हैं क्या हम इनको अपनी आँखों से देख सकते हैं हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकती वी नीड द एड ऑफ अ माइक्रोस्कोप हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है तो माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम एक सेल को देखते हैं अच्छा सो कमिंग टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं ज़रा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली लिविंग थिंग्स जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिजम्स तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरीके के हमारे पास होते हैं एक होते हैं यूनिसेल्युलर एंड द सेकेंड टाइप इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल सिंपल हैं और मुझे लगता है कि शायद नाम से भी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यूनि का मतलब होता है वन मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो जिंदा चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है जब एक सेल है तो यानी कि वही सेल एक ही सेल को हम कहते हैं वही ऑर्गेनिज्म हो जाता है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो जैसे इंसान पौधे कोई जानवर कोई भी जो जानवर आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल अ लायन एन एलिफेंट अ टाइगर जो भी है ये सारे के सारे क्या हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्यों क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आई होप दैट दिस इज़ क्लियर बिकॉज ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कमिंग अप टू जो हमने सेकेंड स्लाइड में बात की थी माइक्रोस्कोप की अब माइक्रोस्कोप की ज़रा बात करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली अ माइक्रोस्कोप हम कैसे उसको यूज़ करते हैं हमारे पास एक स्टेज होता है स्टेज के ऊपर हम स्पेसिमिन रखते हैं स्पेसिमिन को हम कैसे देखते हैं हमारे पास एक आई पीस होती है और आई पीस के ऊपर क्या लगा होता है लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हम उस आई पीस के सामने अपनी आँख रखते हैं और हमें हर चीज़ नज़र आती है लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि हम सिर्फ अपनी आँख नहीं रख सकते रख देते माइक्रोस्कोप के आई पीस के ऊपर क्योंकि माइक्रोस्कोप हिल सकता है इस लाइट जो है स्पेसिमेन वो गिर सकता है वो हिल सकता है तो हमारे एक आर्म दिया होता है और फाइन फोकस दी होती है अब फाइन फोकस क्या है कि आप थोड़ा सा जूम इन करना चाहते हो किसी चीज़ को या किसी चीज़ को जूम आउट करना चाहते हो तो दैट इज़ फाइन फोकस आर्म क्या है कि आप एक हाथ से पकड़ते हो ताकि माइक्रोस्कोप जैसे हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप हिल ना जाए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड ऑफ ऑल बेस होती है अक्सर लैपटॉप्स के नीचे आपने देखा होगा एक बेस लगी होती है रबर टाइप बेस लगी होती है जिससे आप लैपटॉप को बहुत ईजिली मूव नहीं कर सकते तो लाइक वाइज क्योंकि माइक्रोस्कोप एकदम से आपका किसी का हाथ लग जाए तो वो गिर ना जाए तो बेस इसलिए होती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक जगह पर पड़ा रहे Alright students, now coming up to types of cells, how many types of cells are there? There are basically two categories of cells, one is plant cell and the other is an animal cell. ये चीज़ बड़ी important है कि क्या हमारे पास जो plant cell है and animal cell है क्या वो एक जैसे होते हैं या इनके अंदर फर्क होता है अगर तो ये एक जैसे हैं तो that is okay, we don't need to वो क्या कैसे क्यों एक जैसे होते हैं अगर इसके अंदर फर्क है तो अगर दे आर डिफरेंट इन एनी वे तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं एंड इस चीज़ को क्लियर कर लें आप कि ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दे आर नॉट द सेम एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर डिफरेंट क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर होते हैं तो दे आर डिफरेंट एंड इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों डिफरेंट हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होती है और इसको हम आगे की स्लाइड में कवर अप भी करेंगे इंशाल्लाह नाउ कमिंग अप टू अ टिपिकल प्लांट सेल एक टिपिकल प्लांट सेल जो है वो कैसा होता है एक टिपिकल प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है सेल वॉल की होती है फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन की
सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म आता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। अभी हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल का क्या काम होता है। एवरी कंपोनेंट, एवरी पार्ट ऑफ अ सेल एंड इट्स फंक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द फर्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर अ सेल वॉल। सेल वॉल आप जैसे देख सकते हैं कि प्लांट सेल को एक प्रॉपर एक शेप मिली हुई है, रेक्टेंगुलर शेप। तो ये कैसे मिलती है, ये सेल वॉल की वजह से मिलती है। आपने देखा है कि दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग बार्क्स होती हैं, उनकी रूट्स होती हैं, कितने सख्त होते हैं। आप उसको ऐसे जाके पुश करो और वो गिर जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो टाइनी सेल वॉल आहिस्ता 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 जो है उसको बढ़ती रहती है और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन होती है एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं और कुछ चीज़ें जो जैसे एक नेट होता है, जब जैसे हम सीव करते हैं ना, चाय की पत्ती डालते हैं, चाय निकल जाती है, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है। जो वांटेड चीज़ें होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन अंदर ले लेती है और जो अनवांटेड चीज़ होती है उसको बाहर ही रहने देती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जैसे हमारा दिमाग होता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सलाहियत जो भी हम करते हैं वो हमारा ब्रेन हमें बता रहा होता है। तो न्यूक्लियस का जो दिमाग, जो न्यूक्लियस है वो एक सेल का दिमाग होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म बेसिकली होल्ड करता है, न्यूक्लियस को होल्ड करता है, क्लोरोप्लास्ट को होल्ड करता है, और इसके अंदर वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल के अंदर बेसिकली फूड स्टोर किया जाता है। Yes, students, now coming up to the functions of components of plant cells. So we have already discussed these components thoroughly. The nucleus, the cell wall, the cell membrane, the cytoplasm, where are they and what are their functions. So there are basically two things that you should be 100% clear about. कि इनकी लेबलिंग किधर की है, कौन सा पार्ट किधर हमें मिलता है, एंड सेकेंड पार्ट, और सेकेंड चीज़ ये आती है कि इनका फंक्शन क्या है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। कमिंग अप टू अ टिपिकल एनिमल सेल, तो जैसे हमने बात की थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब हमें एनिमल सेल के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कोई भी शेप नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ओवल शेप, दिस इज नॉट अ सर्कुलर शेप, दिस शेप इज नथिंग। तो ये शेप किसी भी किस्म की आपके पास शेप, इसको हम नहीं कह सकते। ये देखने में लग रहा है कि हल्का सा यार सर्कुलर है, ओवल है, बट नो, दिस इज नॉट सर्कुलर, दिस इज नॉट ओवल, दिस इज अ टिपिकल एनिमल सेल, डज नॉट हैव अ स्ट्रक्चर। एंड व्हाई इज दैट, दैट इज बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो एक प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है, और जो क्योंकि इधर एब्सेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें किसी किस्म का एक पार्टिकुलर शेप हमें नज़र नहीं आ सकता। फिर कमिंग अप टू द कंपोनेंट्स ऑफ एन एनिमल सेल, वी हैव अ न्यूक्लियस, वी हैव अ साइटोप्लाज्म, वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन, वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इनके फंक्शन सेम रहेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आ रहा हमें। फिर सेकेंड ऑफ ऑल हम ये देख सकते हैं कि वैक्यूल जो है, इसके अंदर का वैक्यूल जो है वो पूरा कवर्ड आउट होता है, पूरे का पूरा कवर्ड है पूरे सेल के अंदर। बट एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर जो है एक पार्टिकुलर स्पेस थी और वही वैक्यूल था। इसके अंदर हमें सेल वॉल भी, यहाँ पे एनिमल सेल, इन एन एनिमल सेल वी कैन सी दैट अ सेल वॉल इज एब्सेंट। फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन एनिमल सेल, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज अ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस।